मैं सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए सिलाई का एक नया वीडियो लाई हूँ जिसके अंदर मैं आपको कुछ ब्लाउज के डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ और कुछ आइडियाज़ देने वाली हूँ लहंगे के लिए कि आप अगर लहंगे में डोरी पसंद नहीं करते आप उसको किस तरीके से इजीली, जिन्हें पसंद नहीं है डोरी वगैरह वो किस तरीके से पहन सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें आपको सिलते हुए बिल्कुल नहीं दिखाया, आप समझ सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी के साथ में इतना टाइम नहीं मिलता है और वीडियो बनाने में हेल्प तो लगती है सो वो हो नहीं पाता, इसलिए मैंने पूरा सिलने के बाद आपके साथ में वो आइडिया शेयर किया जो मैंने अपने तरीके से सिला है अपने कस्टमर का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला ब्लाउज, जैसे कि आप यहाँ पे हैंगर में लटका हुआ देख रहे हैं, ये रेडीमेड ब्लाउज था, ऑनलाइन किसी ने मंगवाया था, बट ये जिसके लिए इसको पहनाना था उसको ये कंफर्टेबल नहीं था। पहले तो बैक साइड में हुक था, जो कि लड़कियाँ बैक साइड में हुक पहनना थोड़ा कम पसंद करती हैं। तो हमने इस ब्लाउज को क्या किया, सबसे पहले मैंने इस ब्लाउज को सबसे पहले मैंने इस ब्लाउज को बैक साइड से खोल के, मतलब ये तो कुछ भी नहीं था, ये सब मैंने अपने आप से किया है। देखिए, सबसे पहले मैंने ब्लाउज का जो ये बैक साइड ये हुक था उसको ही निकाल दिया। उसको निकालने के बाद मैंने इसको ऐसे सिल दिया है जिससे ये बैक में ये बंद हो गया। ठीक है, आप इधर पे बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन जिनका है उन्होंने अभी मुझे बोला नहीं है, दिखने रेडी होने के बाद कैसा दिखेगा फिर वो डिसाइड करेंगे, तो वो तुरंत का तुरंत मैं लगा दूंगी। फिर मैंने क्या किया, ये बैक वाला बंद हो जाए, जैसे कि किसी को डीप नेक नहीं पसंद है, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड था, ये सिलने की वजह से ये कम हो गया, जिसे आप कम करना चाहते हैं रेडीमेड ब्लाउज में, तो कुछ इस तरीके से आप कर देंगे तो ये अपने आप बैक साइड से थोड़ा ब्रॉड कम हो जाएगा। तो फिर मैंने इसके अंदर नेट लगाया है, देखिए कुछ इस तरीके से। नेट लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया और उसके ऊपर छोटे छोटे सितारे लगा दिए जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ग्रीन इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसका जो लहंगा है उसके अंदर ग्रीन कलर है। ठीक है, और हम लोगों को, आप सोच रहे होंगे कि अब इसमें हुक नहीं है तो कैसे पहनेंगे या जिप नहीं है तो कैसे पहनेंगे, बैक साइड का बंद हो गया, तो मैं आपको बता दूं मैंने इसका साइड से हुक रखा है, देखिए कुछ इस तरीके से। साइड हुक में ये अच्छा आपको आराम होता है कि इन फ्यूचर आप कभी इसे अगर बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप इसका मतलब किसी और के साइज़ का करना चाहते हैं या आप ही मोटे हो गए तो आप यहाँ पर ईजिली खोल सकते हैं। देखिए, आपने ये खोला, रेड कलर का आप अस्तर लगाएंगे और जहाँ पे ये ऐसे मोड़ा है वहाँ पे आप रेड कलर लगा के ऐसे मोड़ देंगे तो आपका ब्लाउज बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे भी है, आई निकाल देंगे, इसको भी ऐसे खोलेंगे, एक अलग से आप आई का पट्टी लगा देंगे रेड कलर का तो वो हो जाएगा। तो इससे आपको पता है चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आप फ्यूचर में कभी इसको खोल के बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा। और जीप लगाने के बाद क्या हो जाता है कि अक्सर जीप में बारिश नहीं होती है और जब आप ऊपर से लगाते हैं तो छोटा सा वहाँ पर कट लगता है मोड़ने के बाद, मोड़ने के बाद ये हर कोई बताता नहीं है लेकिन लगता है, और आप डायरेक्टली लगाते तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। जहाँ पे ऐसे जैसे जिप लगाने में यहाँ तक पहले सिलाई मारी जाती है फिर यहाँ से कट लगाया जाता है, जब आप जिप लगाते हो ना तो अंदर साइड से कपड़ा फोल्ड तो होता नहीं है तो उसके अंदर क्या होता है फिर आपका वो कपड़ा फैब्रिक बेकार हो जाता है, टाइट और लूज करने का मतलब चांसेस कम हो जाते हैं उसके अंदर। और ये आप आसानी से कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत सिलाई का काम आता है। तो एक ब्लाउज तो मैंने आपको दिखा दिया और ये बहुत प्यारा भी लग रहा है, अब लग भी नहीं रहा है कि मतलब ये रेडीमेड, मतलब जैसा लेके आए थे उस तरीके से तो अभी लग भी नहीं रहा। और देखिए साइड में, हाँ इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि अगर आप लहंगा पहन रहे हैं तो आप राइट साइड में ये रखते हैं, क्या बोलते हैं, दुपट्टा रखते हैं कि लेफ्ट में, अगर आप राइट साइड में रखते हैं तो आपको राइट साइड में ये हुक वाला पार्ट बनाना पड़ेगा और अगर लेफ्ट साइड में रखते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में, जैसे कि जिसका है वो लेफ्ट लड़की है तो लेफ्ट साइड में वो लहंगे के ऊपर ये दुपट्टा रखेंगी तो ये वहाँ से छिप जाएगा, यहाँ से दिखने का कोई चांसेस ही नहीं रहेगा, तो बहुत अच्छा लुक आता है। इसमें हमने क्या किया है कि इसमें पैड नहीं लगाया है, सिर्फ ये प्रिंसेस कट का जो लुक होता है वो दिया है थोड़ा सा, क्योंकि ये हार्ड कपड़ा है तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंसेस कट का थोड़ा सा शेप दिया है, ये प्रिंसेस कट नहीं है, सिर्फ मैंने प्रिंसेस कट का शेप दिया है क्योंकि कपड़ा इतना नहीं था कि प्रॉपर प्रिंसेस कट कट इसके ऊपर डिज़ाइन हो पाए। ऑनलाइन जो हम कपड़े मंगाते हैं उसके अंदर ज़्यादातर फैब्रिक जो होता है वो कम आता है, तो प्रिंसेस कट जो अगर ब्लाउज सिलते हैं तो उसको एकदम प्रॉपर कट मतलब कपड़े की ज़रूरत होती है तो ही अच्छी आती है, मतलब नहीं तो फिर वो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने बस इसको ऐसा शेप दिया है, बीच में मैंने देखिए कुछ इस तरीके का लूप वाला डिज़ाइन बनाया है, देखिए ऐसे ऐसे तीन तरीके के ऐसे लूप करके इसे, और लूप करने का भी तरीका है, बीच में मैंने कट नहीं लगाया है, देखिए अंदर साइड में मैंने सिर्फ ऐसे ही जो है वो जो कटिंग करते समय आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, जैसे हम आगे का काट कटिंग करते हैं ना तो उसको आधा इंच रख के एक्स्ट्रा फिर मैंने किया था जिससे ये इतना कपड़ा मिल गया और बीच में कट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो इसलिए कि अगर मान लो आपको ये लूप वाली डिज़ाइन नहीं पसंद आती है तो आप इसको निकाल भी सकते हो, फिर आपका एकदम प्लेन हो जाएगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा कपड़ा बड़ा हो जाएगा तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन हमने पीछे बॉट नेक किया है तो जिससे आगे से दिखने का भी कोई चांस नहीं होगा कि जैसे आप बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत होगा, कंधे से गिरेगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पीछे ब्रॉड है, बस पीछे बोट नेक
है, तो आगे से थोड़ा ब्रॉड भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए आगे से मैंने कुछ इस तरीके से किया है और बैक साइड पे मैंने कुछ इस तरीके से किया। देखिए बैक साइड पे मैंने ये नेट लगाया है और नेट के ऊपर यही फैब्रिक की नेट जो है वो येलो कलर का है और इसके ऊपर मैंने ऐसा ऑरेंज कलर का पट्टी लगाया है और फिर इस तरीके के बटन लगा दिए। देखिए देखने में बहुत प्यारा सिंपल एंड सोबर बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर आगे पीछे भी हुक नहीं है और आगे भी हुक नहीं है तो कैसे पहनेंगे और बाजू भी लगाए। पहले वाले में मैंने तो आपको साइड से हुक लगाना बता दिया था, इसमें भी मैंने हुक ही लगाया है लेकिन इसमें लगाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ तक हमें, जैसे हम जिप लगाते हैं, जिप लगाने में हमें जिस तरीके से मोड़ना होता है, देखिए यहाँ तक सिलाई करनी होती है उसके बाद हम जिप लगा देते हैं, वैसे ही हुक में भी करना होता है। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने किया है, ये देखिए मैंने इधर तक सिला है फिर ये हुक लगा दिया है। तो हुक लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कभी इसका एक प्रॉपर वीडियो भी बना के दिखाऊंगी, फिलहाल मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, पहले आप फिटिंग करेंगे। देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे आप पहले फिटिंग करते हैं ना, ये फिटिंग करते हैं, तो जितना आपको फिटिंग करना है उतने तक आप फिटिंग कर लें, ठीक है। फिर जो बचता है ना कपड़ा उसको इधर मोड़ के सिल लें और इधर मोड़ के सिल लें। तो जो आप एक साइड मोड़ेंगे ऊपर के साइड में उसमें आप हुक लगा लें इस तरीके से, ठीक है, और जो दूसरे साइड मोड़ेंगे उसके अंदर आपको ऐसा अलग से पट्टी लगाना पड़ेगा। देखिए कुछ आगे से इस तरीके की पट्टी दिखेगी और पीछे से इस तरीके की, और फिर जब वो रेडी हो जाएगी तो वो इस तरीके से हो जाएगी। देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसका एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है बच्चे के साथ में, मेरी बेटी रोती भी बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं रोती है, वही है ना, बच्चे को अटेंशन चाहिए होता है, छोटा बच्चा तो वैसे भी मम्मी के पास ज़्यादा रहना पसंद करता है, तो इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का। तो मैं सिर्फ आपसे आइडिया शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत होता है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं और अपना दिमाग भी लगाएंगे तो और भी कुछ, कहते हैं ना जिसको थोड़ा बहुत भी आता है ना वो आइडिया से भी बहुत कुछ कर सकता है, क्रिएटिविटी होती है ना, सब अपने आप आ जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से, अब यहाँ से ये जब फिटिंग हो जाए, मतलब जब आप ऊपर से ऐसे डाल के पहनेंगे और यहाँ से हुक लगा लेंगे तो आगे से भी हुक नहीं होगा और पीछे से भी हुक नहीं होगा और बहुत अच्छा सा लुक आएगा। ये देखिए, और ये भी ये आगे से ऐसी होल नेक है, देखिए इस तरीके से, और पीछे बॉटनेक है। कुछ लोगों को बॉटनेक नहीं पसंद आता लेकिन कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जिनमें बॉटनेक बहुत ज़्यादातर आते ही हैं और उसका एक अपना लुक भी होता है, अच्छा भी लगता है। तो बैक साइड पे आप बना लें, आगे नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। एक ये पैटर्न हो गया और एक मैंने ऐसे ही बनाया है लहंगे का ब्लाउज। इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कोई डिज़ाइन नहीं है, सिंपल गला है, हाँ बिल्कुल सिंपल गला है, लेकिन इसमें फिर भी रेडीमेड ब्लाउज में दिक्कत आती है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे जो आपने देखा होगा आप ऑनलाइन चीज कपड़े मंगाते हैं उसके अंदर लेंथ ज़्यादातर 14 की होती है, लेकिन आजकल ट्रेंड है कि आप 15 का या 16 का ब्लाउज पहनते हैं तो अच्छा लगता है, वो थोड़ा बड़ा लेंथ में होता है तो आप डीप नेक करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बैक से। लेकिन अगर आप 14 या 13 का ही ब्लाउज पहन रहे हैं तो उसमें आप डीप क्या करेंगे, फिर तो पट्टी बचेगी, ऊपर से बल जो दिखते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में, आप अगर आपके पास थोड़ा सा भी कट स्लीव बना रहे हैं तो आपको स्लीव का थोड़ा बहुत जो कपड़ा होता है वो बच जाता है, तो आप उसको इस तरीके से यहाँ पे नीचे मोड़ के लगा लें तो इससे आपका लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये पट्टी लगने के बाद ब्लाउज का लुक बहुत अच्छा आता है, देखिए कुछ इस तरीके से। ये तो बैक साइड का है और ये फ्रंट का है। गले में भी आप देख रहे होंगे मैंने प्रॉपर इधर पे निशान से ये नहीं लिया क्योंकि ये जो है ये इतना ब्रॉड है, 8 का है, अगर 8 का आप पहनेंगे तो बेकार हो जाएगा। मैं बीच में सिलाई भी मार के फिर भी गला उतारती तो भी वो उतना ही ब्रॉड होता क्योंकि वो यहाँ से भी ब्रॉड है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें फैब्रिक के साइड का थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के उसके अकॉर्डिंग गला उतारना है, ठीक है। इसके अंदर हम कैनवास नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी कपड़ा बहुत ये इसका सेटिन का कपड़ा है, मोटे सेटिन का कपड़ा है तो ये बहुत मोटा होता है, फिर इसमें आप कैनवास वगैरह भी लगा देते हैं तो फिर वो पता है बहुत ज़्यादा मोटा सा हो जाता है, फिर वो क्या होता है अगर थोड़ा सा भी 19-20 हुआ साइज़ में तो बॉडी को वो स्ट्रेच नहीं कर पाता, फिर इधर खिंचता हुआ ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो आप फैब्रिक के ऊपर डायरेक्टली उतारेंगे, थोड़ा बहुत 19-20 भी हो जाएगा तो ये अपने आप स्ट्रेच होकर फैल के अपने बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। वैसे स्ट्रेचेबल कपड़ा नहीं है फिर भी कैनवास के लगाने के बाद में और बिना कैनवास के ये ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसमें आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास फैब्रिक थी नहीं और जिसका था उन्होंने मुझे बोला भी नहीं था, ठीक है, तो मैंने नहीं लगाया। आप अगर ऐसे ही प्रॉपर इस कलर के, जैसे इसमें बेबी पिंक है, रेड है, पैरेट ग्रीन है, आप ये सब कलर को यहाँ पे अगर पाइपिंग देते यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लुक आता और
और मतलब ब्लाउज खिल के उठ गया था, लेकिन फिर भी ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है और सिंपल सोबर चीज़ जिसे पसंद आती है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसमें भी मैंने देखिए साइड में साइड हुक किया है इस तरीके से, दिखाते हैं आपको खोल के। सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको रेड कलर का दिखाया था, लेकिन रेड वाले कपड़े में रेडीमेड कपड़ा था तो हम लोग ने अलग से कोई फैब्रिक लगाया नहीं था तो हमको उसी में एडजस्ट करके करना पड़ा था। लेकिन इसके अंदर मैंने देखिए अलग से पट्टी लगा के किया है, देखिए अलग से पट्टी लगा के। अगर आपको फ्यूचर में कभी इसको बड़ा करना है तो बस पट्टी को निकाला, हटा दिया, यहाँ से इसको खोला, देखिए इस पर सिलाई दिख रही है इधर से और इसके अंदर मार्जिन है। आपने यहाँ से खोला फिर अपने हिसाब से फिट करके ये पट्टी लगा दी, बस आपका एक ही मेहनत होता है कि आपको हुक लगा के निकाल के लगाना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ बेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जिप में ही चांसेस चले जाते हैं। आप जिप कितने भी अच्छे से खोलेंगे वहाँ पे कट लगने के बाद फिर यहाँ पे छेद छेद सा दिखता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि हुक जो होता है वो आप अस्तर के ऊपर लगा होता है अंदर साइड से, तो आप अस्तर को काट दोगे, अगर थोड़ा बहुत कट भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फैब्रिक नहीं कटना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने तो डायरेक्टली कपड़े पर लगाया क्योंकि मैंने कपड़े को बढ़ाने के हिसाब से ही लगा के अंदर साइड मोड़ा है, तो इसके लिए मैंने फैब्रिक पर लगाया। लेकिन फिर भी हुक जो जिस तरीके से लगाने का भी तरीका होता है कि आप कुछ लोग क्या करते हैं उसी में छे मतलब गैप किए जा रहे लगाए फिर वहाँ पे गांठ मार के तोड़ दिया, नहीं मैं ऐसे नहीं करती हूँ। देखिए मेरा हुक लगाने का भी एक अपना तरीका है कि मैं कभी भी धागे को तोड़ती नहीं हूँ, एक लगाया फिर लगाया। जब आप इस हुक को खोलेंगे ना तो कभी भी आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर भी गांठ या वो नहीं आएगी, मतलब आपने बीच में इस धागे को कट किया यहाँ पे और आप धीरे धीरे सुई से निकालेंगे तो आपको प्रॉपर हुक निकल जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे हुक लगाया और लगा के फिर यहाँ पे नॉट लगा दिया, फिर यहाँ पे हुक लगाया यहाँ पे नॉट लगा दिया, इससे क्या होता है कपड़े छिंदचे चले जाते हैं और पूरे बेकार हो जाते हैं। अब पट्टी तो मैंने आपको बताई, आपको समझ में ही आ गया, ज़रूरी नहीं आप सेम ब्लाउज के ही लगाओ जो पसंद है, आप कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं। लेकिन जिनका है उन्होंने मुझे इसी तरीके से बोला था तो मैंने इस तरीके से ही बनाया तो वो कुछ इस तरीके का बन के आया है। एक मतलब मैंने लहंगा बनाया था, वो बहुत टाइम हो गया है जिनका बनाया था उन्होंने, मतलब इसके ऊपर कुछ बना के कुर्ती वगैरह डिसाइड ही नहीं कर पाया कि ब्लाउज़ पहनना है कुर्ती पहनना है, उसमें वो रह गया था तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले मुझे ला के दिया था, बहुत दिनों से पड़ा था, वो मैंने अब बनाया है। देखिए ये कुर्ती है इस तरीके की, इस कुर्ती को सिला है मैंने और उनका जो साड़ी का मैंने लहंगा बनाया था तो साड़ी का जो ब्लाउज़ है उसके पैच को निकाल के मैंने देखिए कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगा दिया है। ये पैच लगाने का भी अपना मस्त तरीका है, बहुत ही मज़ेदार तरीका है, बोलेंगे तरीका भी कोई मज़ेदार होता है लेकिन सच में बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है, कभी आप भी लगा के देखिएगा। मैं आपको बताती हूँ मैंने इसको किस तरीके से लगाया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो इस ब्लाउज़ का ये था, सॉरी इसका जो ब्लाउज था इसको तो मैंने बुरी तरीके से कदर दिया है लेकिन फिर भी आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए वैसे इसका मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया पार्ट मुड़ के। इस ब्लाउज़ में ये सारे पैच लगे हुए थे, देखिए ये वाले बाजू पे लगे थे, यहाँ पे सब जगह मैंने इन सबको पहले ये पैच निकाला, देखिए इसी का पैच है, ये देखिए यही पैच है एकदम, इसी सबको मैंने काटा, इन पैच को निकाला मैंने इसी ब्लाउज़ में से। और इस ब्लाउज़ में से मैंने ये पैच निकालने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आप सोच रहे हो कि पैच निकाला और लगा दिया, नहीं, पैच निकालने के बाद कभी भी हमें याद रखना है किसी के पास वैसा सीज़र होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला जिससे काटते जाते हैं तो फैब्रिक वहाँ पे बर्न होता जाता है तो धागा निकलना बंद हो जाता है, लेकिन अपने पास नहीं है भाई इतना बड़ा काम नहीं है कि जिसके लिए इस तरीके का सीज़र वगैरह रखा जाए। लेकिन फिर भी मैंने अपने तरीके से इसको किया है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर भी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा कि धागा निकलता हुआ, सॉरी कहीं से भी आपको धागा वगैरह निकलता हुआ नहीं दिखता होगा। इसका भी एक अपना तरीका है लगाने का। पहले आपको क्या करना है, जब भी आप पैच काटें तो थोड़ा थोड़ा फैब्रिक यहाँ से छोड़ दें, मतलब जब किसी भी कपड़े में से फैब्रिक काट रहे हैं जितना आपको मतलब चाहिए, जहाँ पे आपको चाहिए उतने से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा काटें, फिर गैस के पास जाके मोमबत्ती भी रख सकते हैं पास में, गैस के पास भी जाके उस पैच को फटाफट मैं किसी दिन आपको उसका भी वीडियो करके दिखाऊंगी। लेकिन मैंने आपको बताया ना बेबी के साथ में भी पॉसिबल नहीं था, इस वजह से मैंने पहले अपना पूरा काम कर लिया उसके बाद में आपको मैं वीडियो बना के दिखा रही हूँ। क्या करना है आपको, जो भी पैच आप काटते हैं उसको मोमबत्ती रख लें या गैस के पास जाएं और फटाफट गोल घुमाना है उसके पास जल्दी, जिससे क्या होता है अगर आप प्रॉपर रख देंगे तो कपड़ा जल जाएगा, कपड़ा जल जाएगा तो पैटर्न नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कपड़े को उठाना है और जल्दी घुमाना है फटाफट, या तो आप गैस को बहुत स्लो कर दें, मोमबत्ती में जल्दी कपड़ा जल जाता है क्योंकि मोमबत्ती की जो लो है वो कम ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन गैस में ऐसे चांसेस होते हैं गैस को एकदम स्लो कर दिया जाए और उसका जो बर्नर होता है उस पर टच कर दिया जाए, टपटर करते जाएंगे तो क्या होगा साइड से पूरा जो है एकदम सफाई से, देखिए इस तरीके से
पूरा अपने आप कपड़ा बर्न हो जाएगा, मतलब बर्न पूरा जल नहीं जाएगा, अपना अपना धीरे धीरे से मतलब जो रेशा निकलता है कपड़े का वो बंद हो जाएगा और अच्छे से पैच निकल के आ जाएगा। फिर आपको उस पैच को क्या करना है, दो तरीके से लगा सकते हैं आप, हाथ से भी लगा सकते हैं और सिलाई से। चिपकाना नहीं है, अगर आपको नहीं चाहिए होगा, मान लो आप कभी कुर्ती में से ये हटाना चाहते हैं पैच, तो फिर चिपकने के बाद निकलने के चांसेस नहीं रहते। अगर आप इसको सिलते हैं, हाथ से सिलते हैं, मशीन से सिलते हैं, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से लगाया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हाथ से लगाया है मैंने कुछ इस तरीके से, देखिए कहीं से भी कुछ नहीं निकल रहा। ये हाथ से लगाया मैंने, और ये वाला देखिए मैंने मशीन से लगाया। दोनों तरीके से अच्छे से लगता है। देखिए इससे भी एकदम सफाई से लगा है, देखिए एक है हाथ का और एक मशीन का। अब आप सोच रहे होंगे, सॉरी आपकी सोचेंगे, मैं ही सोच रही हूँ, मैं आपको बता दूँ, ये मैंने कुर्ती सिल दी थी, उसके बाद जिनका है उनको ये आइडिया आया कि मेरे पास पुराना ब्लाउज रखा है उस साड़ी का जिसका मैंने लहंगा बनाया है, तो तुम ब्लाउज के कुछ फ्लावर वगैरह निकाल के अगर उस कुर्ती पे लगा दो तो प्रॉपर मैचिंग हो जाएगा। तो उसी तरीके से मैंने उस ब्लाउज के सारे पैच काटे, और सारे मतलब अभी तो उसमें दो तीन पड़े हुए हैं, लेकिन वो थोड़े मतलब पाइपिंग के पार्ट में आ रहे हैं जिससे वो अच्छे से निकल के नहीं आ रहा है। अगर बाजू लगाया होता तो मैं उसका भी कुछ करके इसमें लगा देती। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इस पे लगा दिया है, और देखिए कुर्ती का लुक बहुत अच्छा हो गया। अब उस लहंगे पे अगर ये पहनेंगे या स्कर्ट जो भी जिस फॉर्म में पहनेंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी अगर आपके पास पुरानी साड़ी है तो और पुराना उसका ब्लाउज है, तो उसको अगर कुछ अच्छा सा यूनिक लुक देना चाहते हैं, क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपने पुराने साड़ी के उसको लहंगा बना सकते हैं, स्कर्ट बना सकते हैं, उस पर मैचिंग करके ऐसी कुर्ती बना के आप बहुत अच्छा और डिफरेंट तरीके का ड्रेस तैयार कर सकते हैं। अभी मेरा तो है नहीं, अगर मेरा होता तो मैं इसको आपको पहन के भी दिखाती, और इसमें मैं तो घुसने वाली नहीं, मेरे से दो आ जाएंगे। तो ये कुर्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, आप ज़रूर ट्राई करिए, मेरे बोलने पे एटलीस्ट एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और मैं एक बार आपको साड़ी का भी लहंगा बना के बताऊँगी। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, अभी थोड़ा मेरे को बहुत ज़्यादा थकान रहती है तो मैं ज़्यादा काम कर नहीं पाती। लेकिन ये मेरे पास पहले से ही पड़ा था उनका, और कुछ उन्होंने नया भी लाया था तो मैंने उनका बना दिया। और एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ, इन सब के मैंने मतलब जो भी आपको मैंने ब्लाउज दिए इन सब के लहंगे भी मैंने रेडी किए हैं। देखिए ये जो लहंगा है वो इस ब्लाउज का है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, देखिए इसके ऊपर ये लहंगा है। अब जिसका है वो पहनेगी तो लगेगी ना इस पर मस्त एकदम। अब इस लहंगे के अंदर क्या हुआ था कि पहले तो मैंने इसको डोरी लगा दी इसके अंदर, लेकिन हर कोई डोरी संभाल नहीं पाता है, जिसे मतलब किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने फिर इसके अंदर इलास्टिक डाला है। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसमें इलास्टिक डाल दी। अब इलास्टिक डालने के बाद इसमें डोरी तो रहेगी नहीं, लेकिन लटकन भी अच्छा लगता है। ये लटकन मैंने खुद से बनाया है, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करिएगा, मैं इसको आपको अलग से इसका एक वीडियो बना के आपको बताऊँगी। ये लटकन बहुत अच्छा लगता है और इसका लुक भी देखिए बहुत अच्छा आता है। मैंने इसको जैसा स्कर्ट में कलर मैच हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग बनाया है, गोटा पट्टी से मिला के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो अंदर साइड से देखिए इस तरीके से हमको इसमें फंसा के और इसे सिलना है, तो इस तरीके से बाहर आ जाएगा। आप इसे नॉट भी लगा सकते हैं, ऐसे खुला भी छोड़ सकते हैं, और स्कर्ट में आप इस तरीके का हुक लगाइए। दो तरीके के हुक आते हैं, मैंने ये वाला हुक ज़्यादा पसंद किया क्योंकि इससे क्या होता है अच्छे से अटक जाता है, देखिए, और कुछ इस तरीके से एकदम सीधा एकदम अच्छा सा लुक आ जाता है। और इसमें इलास्टिक डाल दिया, तो आप कुछ इस तरीके से आप अपने लहंगे के अंदर इलास्टिक लगा के भी पहन सकते हैं और अच्छा ही लुक आता है। मतलब डोरी जिसको नहीं बांधनी आती, बाकी जिसे आती है तो उसके लिए सही है। सेम इस लहंगे में भी मैंने यही किया है, बस इसमें डोरी नहीं लगाया है, इसके अंदर मैंने देखी इलास्टिक लगा के और इसके अंदर मैंने ये हुक लगा दिया है। देखिए ज़िप भी लगाते हैं लोग, लेकिन मैंने आपको बताया ना ज़िप का वही होता है कि आपको ज़िप के लिए इलास्टिक मतलब फिर लगाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा इलास्टिक के अंदर, क्योंकि इलास्टिक में साइड साइड से दिखता रहता है। आप हाफ़ लगाइए, बैक साइड से हाफ़ लगाइए और आगे से प्लेन रखिए, लेकिन उतना करने के लिए इसमें प्रॉपर उतना कपड़ा नहीं था क्योंकि ये सेमी स्टिच आया था, सिर्फ साइड से सिलना था, तो उतना कपड़ा था नहीं कि उसके ज़िप लगाने के लिए अलग से थोड़ा सा कपड़ा आए। तो मैंने क्या किया, बस उसको इस तरीके से देखिए इसमें कहीं पता नहीं चल रहा सिलाई विलाई, ये देखिए, और इस पर आपने हमने ऐसे हुक लगा दिया है और ऐसे स्कर्ट में इलास्टिक लगा दिया है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इस पर का ही है, ये देखिए इस तरीके से है ये। ये मैंने आपको एक ये ब्लाउज लगाया था, देखिए मस्त लग रहा है, चमचम चमचम, रात को जो भी पहनेगा मतलब चमचमाते लगेगा, नाइट में इसका
और हुक भी देखो दो तरीके के आते हैं, एक ऐसा हुक आता है देखिए इस तरीके से लूप बना हुआ आता है और इसको लगा दें, और ऐसा हुक आता है नॉर्मल जो ब्लाउज में लगाते हैं वो, और एक उस तरीके का हुक आता है मैंने आपको वैसा बताया, दोनों ही अच्छे होते हैं। ये इसको लगाएंगे तो आपको दो लगाना पड़ता है, वो एक में काम हो जाता है लेकिन वो ज़्यादा मजबूत होता है इसके कंपेयर में, जाके फंस जाता है बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें भी देखिए इलास्टिक लगाने के भी दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है इलास्टिक का आपने सीधा लगा दिया और उसको साइड से सिलाई मार दी, एक होता है इस तरीके से बीच में भी सिलाई मारा जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा था इसके लिए बीच में सिलाई नहीं मारा था हमने, और साटिन का कपड़ा था कि जल्द अगर मान लो गलती से भी थोड़ा बहुत फंस फंस आ गया कहीं पे मशीन में तो का फैब्रिक ख़राब हो जाता है, इसके लिए उसके अंदर नहीं लगाया। ये है चंदेरी में है ये कपड़ा, तो इस वजह से इस कपड़े के अंदर आसानी से, और ये पतला भी था तो इसके ऊपर आसानी से ये इस तरीके की सिलाई आ गई, तो मैंने इस तरीके की स्कर्ट में सिलाई लगाई है। इसमें भी सेम देखिए साइड में ऐसे किया है बिना जिप के, और ये भी बहुत अच्छा लगेगा, मतलब साइड से कुछ दिखे दिखेगा भी नहीं और अच्छे से एकदम स्कर्ट टाइप में। और उसके ऊपर ये ब्लाउज है देखिए, बहुत अच्छा लगेगा ये भी पहनने के बाद। मैंने आपको शायद दिखाया होगा पिछले वीडियो में, आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ वापस से ये इस कुर्ती के बारे में। ऐसा कुर्ती मुझे फिर से एक सिलने के लिए आया है इसलिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये एक ब्लाउज़ पीस का, अगर आपके पास भी इस तरीके का नेट का कोई ब्लाउज़ पीस है और आप पसंद नहीं करते हैं नेट का ब्लाउज़ पहनना, तो आप इस तरीके से कुर्ती में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इस कुर्ती को कुछ बनाया है, ऐसे देखिए। चलो दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके की कुछ कुर्ती में ये सारे फैब्रिक मैंने खुद लगाए हैं, ये ऑरेंज वाले और ये ऑरेंज वाले, और इसके बॉटम में इस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए क्या करना है आपको, प्रॉपर एक लेस लेना है इस फैब्रिक के लिए, आपको पीछे भी सेम टू सेम प्लेन में क्रीम कलर का लेना होगा, अगर आपके पास जैसा कलर है आप वैसे ले सकते हैं, और उसमें आप सेटिन का एक कपड़ा लगाइए इस तरीके से। अगर आप खुद सिलाई करते हैं तो ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी से सिलवा रहे हैं तो ये आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि इसमें तीन फैब्रिक आ जाते हैं, पहला तो ये नेट आएगा, इसके नीचे साटिन आएगा, फिर नीचे अस्तर आएगा, तो तीन का आपको पता है सिलाई बहुत महंगी है, तो फिर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, प्लस ये लेस वगैरह एफर्ट करना, ये अलग से कपड़ा लगाना, सब बहुत महंगा पड़ जाता है। तो लेकिन फिर भी जिसको बोलते हैं ना प्रॉपर फिटिंग का और थोड़ा अच्छा फिटिंग का और अच्छा दिखने वाला कपड़ा पहनना है तो वो सिलाई तो करवाते ही हैं, और अगर सिलाई नहीं चल रही होती तो मार्केट में इतनी सिलाई की दुकानें भी नहीं होती, सब रेडीमेड से पहन लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, सिलाई की कुछ अलग ही बात होती है। तो आप लेस लगा के कुछ इस तरीके से रेडी कर सकते हैं, देखिए प्रॉपर एक लेस है, ये हर फैब्रिक को ऐसा काट के इसका कॉलर बनाया गया है, इसमें बाजू को लंबा करने के लिए, क्योंकि इतना कपड़ा होता नहीं है तो बाजू को लंबा करने के लिए लेस लगा के, और फिर इस फैब्रिक को अंदर साइड से भी ऐसे ही लगाया गया है देखिए इस तरीके से, तब जाके कहीं ये इतना रेडी हो पाया। और अच्छे खासे हेल्दी इंसान का है, मतलब 44 का चेस्ट है, तो आप समझ ये 44 का मतलब चेस्ट का साइज़ है, तो आप सोच लीजिए अच्छा खासा कुर्ती मतलब कप फैब्रिक लगा होगा, मतलब ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो इतना भी नहीं बचा था, सिर्फ जो साइड से बचता है ना वही बचा था, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, थोड़ा सा बचता है जो, बाकी पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था इसके अंदर देखिए कुछ इस तरीके से। और ऐसा कुर्ती रेडी हुआ है, मुझे लगता है कि आपको जितने मैंने अभी फैब्रिक बताए सारे के सारे पसंद आए होंगे, मतलब जिसकी सिलाई है, और ब्लाउज़ के पैटर्न भी पसंद आए होंगे, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय।